जेई मेन का काउंसलिंग का डेट आ गया है दोस्तों, आपको पता होगा, अगर नहीं पता होगा तो मैं बताना चाहता हूं कि जेई मेन का जो एग्जाम है वो 1 से लेकर 6 सितंबर में होने वाला है। ये चल रहा है जुलाई के महीना, इसके बाद आएगा अगस्त, अगस्त के बाद पहले वीक में ही आपका एग्जाम होगा, यानी पहले से लेकर 6 सितंबर तक। और जेई एडवांस का जो एग्जाम है वो 27 सितंबर को है और नीट का एग्जाम है 13 सितंबर को। दोस्तों जिनको करेक्शन करना है यानी अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो करेक्शन करना है उनका विंडो 4 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक, यानी 15 जुलाई तक आप अपना डेटा को सुधार सकते हैं जेई मेन का। जितने भी स्टूडेंट जेई मेन के लिए अप्लाई किए हैं, अगर वो चाहते हैं कि कोई डेटा को सुधार करना है तो 15 जुलाई तक मौका है। आप लॉग इन करके, जैसे पहले आप लॉग इन करके अप्लाई किए थे उसी तरह लॉग इन करके 4 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक आप अपने डेटा को करेक्ट कर सकते हैं और आपका जो एडमिट कार्ड आएगा वो 15 अगस्त तक आ जाएगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि आज आसपास समझ सकते हैं, आज 9 जुलाई के आसपास है, तो जस्ट एक महीना के बाद 15 अगस्त तक आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा जेई मेन का। जेई मेन का एडमिट कार्ड 15 अगस्त तक आ जाएगा। अभी करेक्शन विंडोज खुला हुआ है जिसको अपने फॉर्म में सुधार करना है 4 से 15 जुलाई तक। 15 जुलाई तक डेटा को करेक्ट कर लीजिएगा और आपका एग्जाम है 1 से लेकर 6 सितंबर तक होगा। आपका काउंसलिंग का डेट भी आ गया है दोस्तों, जेई एडवांस का होगा 27 सितंबर का, 27 सितंबर तक एग्जाम होगा, उसके बाद जो काउंसलिंग शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं काउंसलिंग का जो डेट इन्होंने दिया है कि कंप्लीशन ऑफ फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग अभी आया है AICTE। आपको पता है कि जितनी भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं वो चलती है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन है, यानी AICTE से। इसका रिवाइज कैलेंडर इशू हो गया, आप देख सकते हैं इसमें, मैं आपको दिखा देता हूं। 7 जुलाई को ये प्रिपेयर हुआ है, 8 जुलाई को अपलोड हुआ है, ये है रिवाइज कैलेंडर। इन्होंने लिखा है कि UGC के चलते इन्होंने भी, AICTE ने भी इसको रिवाइज किया है अपने कैलेंडर को। और इस कैलेंडर में आप देख सकते हैं आपका जो काउंसलिंग का डेट है, जो पहला काउंसलिंग होगा, आपका एग्जाम का डेट तो आ गया है सितंबर में एग्जाम होगा और पहला काउंसलिंग जो है वो 5 अक्टूबर तक पूरा हो जाएगा। ये आज की ट्रेंडिंग न्यूज है, बड़ी खबर है। उसके बाद जो दूसरा जो काउंसलिंग है, देखिए 15 अक्टूबर तक हो जाएगा। कंप्लीशन ऑफ सेकंड राउंड ऑफ काउंसलिंग जो है वो 15 अक्टूबर तक सेकंड काउंसलिंग कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो लास्ट डेट होगा, स्टूडेंट कैन बी एडमिटेड अगेंस्ट वैकेंसी, जो खाली सीटें रह जाएंगी 20 अक्टूबर तक फिल किया जाएगा। उसके बाद जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, जो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा में है या PG सर्टिफिकेट कोर्सेज में है, उनका 17 अगस्त से शुरू हो जाएगा क्लासेस, जो कि PGDMA में अभी है। और जो फ्रेश या लेटरल एंट्री वाले जो एडमिशन लेंगे उनका 15 अक्टूबर से क्लासेस शुरू हो जाएंगी। कब से? 15 अक्टूबर से, क्योंकि आपकी जो काउंसलिंग है वो अगस्त में तो आपका क्या होगा कि सितंबर में तो एग्जाम होंगे, सितंबर के बाद अक्टूबर में काउंसलिंग होगा और इसी अक्टूबर में, 15 अक्टूबर में आपकी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। तो बहुत बड़ी खबर है और आप देख सकते हैं देश की बड़ी बड़ी मीडिया हाउस ने इसको छापा है कि एज पर द न्यू AICTE कैलेंडर, नया AICTE कैलेंडर जो मैंने आपको दिखाया है, एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जो है वो अगस्त से क्लास कर सकते हैं। कब से? अगस्त से। जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है, जो अभी मिड ईयर में है, जो एडमिशन ले चुके टेक्निकल कोर्सेज में है, चाहे डिप्लोमा इंजीनियरिंग में हो, चाहे BTEC में हो या MBA में हो, MCA में है, उनका क्लासेस 17 अगस्त से शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन मोड में भी होगा, ऑफलाइन भी हो सकता है या मिक्स में हो सकता है। ज्यादा चांस है कि मिक्स में होगा, कुछ ऑनलाइन होगा कुछ ऑफलाइन होगा, जो अभी एग्जिस्टिंग है उनके। जो नए सेशन में एडमिट होंगे यानी नए एडमिशन वाले, उनका 15 अक्टूबर से स्टार्ट होगा। तो बहुत बड़ी खबर लेके आया हूं कि आपकी जो काउंसलिंग डेट है उसका रिवाइज आ गया, रिवाइज गाइडलाइंस आ गया है। इसके अलावा जो आपका डेट है एग्जाम्स का वो मैंने बता दिया कि 1 से 6 सितंबर में, एडमिट कार्ड आपका 15 अगस्त तक आ जाएंगे और अभी करेक्शन का विंडो खुला हुआ है। फॉर्म को अगर सुधार करना चाहते हैं तो आप सुधार कर लीजिएगा। 15 अगस्त, एक महीने के बाद एडमिट कार्ड आ रहा है, उसके बाद एग्जाम होगा, एग्जाम के बाद काउंसलिंग का डेट मैंने बता दिया है कि 5 अक्टूबर से काउंसलिंग होगा, उसके बाद सेकंड काउंसलिंग 15 अक्टूबर तक हो जाएगा और जो बची हुई सीटें होंगी उसका 20 अक्टूबर में फिल किया जाएगा। लेकिन क्लासेज जो होगी वो 15 अक्टूबर से नए सेशन के लिए शुरू हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे यूजफुल वीडियो आपके हित के लिए, आपके परिवार के हित के लिए, देश के हित के लिए बनाते रहता हूं, तो इस चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। हम है रही ज्ञान के, फिर मिलेंगे चलते चलते, तब तक यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। जय हिंद, जय भारत।